न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आधार बनवाने में शुद्धिकरण के लिए अब आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड बनाने के बंद होने का मामला जैसे ही उपायुक्त अशोक शर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत एनआईसी के डीआईओ को बुलाकर निर्देश दिए कि जिला में आधार कार्ड बनाने में शुद्धिकरण के लिए सेंटर खोले जाएं ताकि आम जनता को आधार कार्ड बनवाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनाने में शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्रम लगातार चलता रहे और लोगों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए उपायुक्त ने लघु सचिवालय में आधार कार्ड पंजीकरण में शुद्धिकरण के लिए कमरा नंबर 325 अलॉट कर दिया है, जिसमें दो ऑपरेटरों द्वारा आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा बाल भवन में भी आधार पंजीकरण व शुद्धिकरण का सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें 13 अगस्त से आधार पंजीकरण व शुद्धिकरण का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। वहीं जिला में 13 अन्य स्थानों पर भी आधार सेंटर खोले जाएंगे ताकि कोई आधार बिना रह न सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।